نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم موزّز سامعين وناظرين ख़वान व हजारत और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अल्लाह रब्ल की तोफ़ी से हम माह मदानुलम्बारक के इन सादत वाले अयाम में एक सिलसिला दर्श शुरू कर रहे हैं जो सही बुखारी और इमाम गज़ाली की एहियाूम्दीन पर मुश्तमिल सिलसिला दर्स हलकत तरबियत के नाम से मौसूम होगा और इन हलकत व तरबिया में जो दर्स का समझ लें टेक्स्ट है जिस पर हम अपने दर्स और इसबाक को जारी रखेंगे वो होगा सहीबारी और, और सही उबारी में हम जिन मौजूद को मनतखब कर रहे होंगे उसकी तोज़ी और तशरी के लिए हम ज़्यादातर इमाम ग़ज़ाली की किताब हजालूद्दीन को बतौर दर्स इसमें शामिल रखेंगे दूसरी अहम बात यह है कि इन हल्कात तरबिया में जैसा कि नाम से जाहिर है मेरा फ़ोकस इस मरतबा इलमी फ़नी एत फ़िक्ही और इस नोयत के जो दकीक या आमतन्नास के लिए मुश्किल मौजूद हैं या मसाइल हैं इस सिलसिला दर्स में उनको शामिल नहीं करेंगे यानी गुफ्तु फ़नी और इल्मी एबार से मुश्किल नहीं होगी बल्कि फ़ोकस होगा हल्का व तो का कावान ज़ाहिर कर रहा है फ़ोकस तरबियत पर होगा असला अहवाल पर होगा आदाब ज़िंदगी के बयान पर होगा जिससे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहनी और फिक्री एतबार से भी ईमानी रूहानी और अमली एतबारखलाक एतबार से और कहीं ज़रूरत होगी तो नज़रियाती एतबार से समर सके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों की असलाह मकसूद है ताकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये दुरूस और ये हलकात बराह रास्त काम आ सकें और इसके लिए इनतख किया मैंने सही बुखारी के अबवाब का उसमें से चुनाव करेंगे जो जो अदीस जिन जिन अबाब से डायरेक्टली इन मौजुआत को एड्रेस करती हैं उन पर मंतखब दर्स होगा अब इसमें तीसरी बात तो तलब ये है कि मैं इब्तदा करना चाह रहा हूँ आज सही सहीबारी के तारफ़ से इसके तारफ़ का भी एक अंदाज़ तो इल्मी है फ़नी है जो सिर्फ़ कराम मुदर्रसिन महक् और तलबा जो दीन के तलबा हैं इल्म हदीस के ख़ास तौर पे, उनकी दिलचस्पी का बास हैं एक तो वो मौजूद हैं उन मौजूद पर मुश्तमिल तारफ़ वो मैं इस गुफ्तु का हिस्सा नहीं बनाऊँगा इसलिए कि उन मौजूद पर मेरी कुतुब में भी मवाद आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ना चाहें और मेरे कई दरूस और कई खिताबात हैं जिन के अंदर इमाम बुखारी की नस्बत और सही अलबुखारी की नस्बत फ़नी बहसें जो उस तलबा मुहिकीन और मदरसिन की दिलचस्पी का बायस वो मौजूद हैं अरबी में ख़ास तौर पर जाम अल अज़हर में मेरा एक बड़ा मबसूत और तवील ख़िताब है तो उसकादीसदीफ है मगर उस में मैंने तफसल से गुफ्तु इमाम बुखारी के मिनहज पर और बुखारी पर की है फिर मेरी अपनी किताब में मवाद मिल जाता है वो अरबी में है मगर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ तबाह हुई है अलबियानसरीह फिर हदीस सही, तो मैं इसमा तलबा महक्की और इल्म हदीस का जौक़ रखने वालों के लिए रेफ़र कर रहा हूँ वहाँ से पढ़ लें फिर एक किताब है मेरी अलौलफ़ फिर हदीसदीफ यह भी अरबी में लिखी है मैंने मगर इसकी भी इंग्लिश ट्रांसलेसन आ जाएगी और थोड़े ही वक्त में इन शर्द इनके तर्जमे भी दस्तियाब हो जाएंगे तो उससे भी आदमी मुतल अबहास को ले सकता है फिर इसी तरह एक और किताब है मेरी अकतमाल फ़ी नशअीस व तबकातरिजाल येमदीस के इरतिका पर है यह भी अरबी में है मगर इसका भी आफ़कोर्स इंग्लिश और उर्दू तराजे में आपको दस्याब होंगे उसमें भी इमाम बुखारी और उनके काम पर चैप्टर आपको मिल जाएगी फिर इमाम और बुखारी और सैलबुखारी के हवाले से बहुत सी तफसीली बहसेंिली और फ़नी एतबार से मेरे दो दिरासात में अवेलेबल हैं एक आज से कई साल कबल यूके में यानी बरतानिया में बर्मिंगम में दौर बुखारी के वान से दिरासात हुए थे उनमें बड़ी तफसीली तफसीलीसें मौजूद हैं फिर उसके बाद दौर सई मुस्लिम हुए हैं उसमें भी तफसीली तफसलीसें मौजूद हैं और कमो बेश तीन एक साल क़बल लाहौर में जाम अलमिन में हमारी उलमा कौंसल ने इंतज़ाम किया था जिसमें कोई चार से पाँच हज़ार पूरे मुल्क से तीन दिन के लिए शरीक हुए थे तो उसका नाम था जरासातलूमीस तो वो बड़ी तफसील के साथ उसमें इमाम बुखारी पर और आपकी सही बुखारी पर और इमाम बुखारी के केम हदीस में और तखरीज के मिनज पर और इल्मी और फ़नी आबाश उसमें है। तो ये मैंने रेफरेंसेस दे दिए ताकिा इस तलबा अगर इस नोतियत का अपने ओक़ के मुताबिक कुछ चीज़ पढ़ना समझना सुनना चाहें तो वो रजू कर लें मेरे इन मवार की तरफ आज के इस तारफ़ में मैं सिर्फ़ तीन पहलू बयान करूँगा और जो तीन पहलू हैं वो इस नोत के हैं कि उनमें से एक पहलू तो अवास से मुतल है कि आमतनास को जो लोग इलम्लहदीस से बिल्कुल बेबहरा हैं वाक़ीत नहीं रखते उनका इल्मदीस के ऊपर कोई मताल नहीं है थोड़ी सी भी मालूम नहीं है उनके यहाँ ग़लत तरीक़े से एक ता पाया जाता है और ये तासर शायद ऐसे हलकों की तरफ़ से उनके जहनों तक पहुँचा है जो लोग हदीस नबवी को हुज्जत नहीं मानते उसकी हज्ज़त का उसके दीन इस्लाम के अंदर अथॉरिटी होने का इनकार करते हैं या शकु को शुभत इस बाब में रखते हैं तो ये दरअसल उनकी तरफ़ से ये एक ग़लत ख़याल फैलाया जाता है और जिन लोगों का फिर अपना क़ुतुब का नहीं होता किताबों को स्टडी नहीं की होती तो सुन सुना के राय कायम करते हैं तो उनके जहन में एक मुगालत आ गया है पहले हिस्से में मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूँ ताकि तो नास का मुगालत दूर हो सई बुखारी का मुताला शुरू करने से पहले और वो ये मुगालता है कहा यह जाता है ये ग़लती से समझा यूँ जाता है कि सही बखारी तो शायद यह हदीस की पहली किताब है और ये लिखी गई है हज़ूर सलाम के विसाल मुबारक से कम उेश अढ़ाई सौ साल बाद तो हदीस की हुज्जियत में शक को शुबा पैदा करने वाले इस बात को यूँ पुट करते हैं कि जब अढ़ाई सौ साल बाद ये किताब हदीस की फ़र्स्ट टाइम मुरतब हुई है तो पहले अढ़ाई सौ साल का बिल्कुल गैप है उस वक्त हदीस कहाँ थी उसकी तो कोई किताब कोई मजमू कोई ज़ख़ीरा कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स मौजूद ही नहीं थे तो वो तो सीना बसीना रिवायात मौजूद थी लिहाजा इस बात की क्या गारंटी है कि यह आदीस नबवी का मजमू सौ फीसद दुरुस्त है और हर हदीस वाकता सही है जो हज़ू सलाम की फरमूदा है यानी आपकी फरमाई हुई बात है दरमियान के ढाई सौ साल में लोगों ने कुछ गलत बातें दाखिल करके उन्हें हदीस का उनवान तो नहीं दे दिया तो इस तरीके से वो हदीस की जो तारीख है तदवीन हदीस की तारीख उसके बारे में इस गैप को एक शक को शुबा की बुनियाद बनाते पहली चीज इसको दूसरा शुबा उन लोगों से मुतलक है जो थोड़ा इल्म रखते हैं हदीस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं यानी गहराई के साथ कुतुब का मताल नहीं किया मगर थोड़ी ज़्यादा सोच बूझ रखते हैं और उसमें मजहबी लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं कि जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं है, मगर उनका एक शकफ़ है तो उनका मुगालता ये है सिर्फ जो सही और बुखारी है यही एक ही किताब है जिसमें अहदीसें सही यहाँ हैं यानी सही अदीस का ज़ख़ीरा सिर्फ सही बुखारी है सो वो यूँ समझते हैं कि जो सही बुखारी में है हदीस को मानने वाले कहते हैं हम वो मानेंगे और जो सही बुखारी में नहीं है उसको नहीं मानेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग इसमें तोसी करते हुए कह देंगे कि बुखारी और मुस्लिम ही दो किताबें हैं जिनमें सही हदीस दस्याब हैं सो so, जो कुछ बुखारी और मुस्लिम में है उसको कबूल करते हैं और जो कुछ बुखारी मुस्लिम से बाहर है वो हदीस सही नहीं है ये बहुत बड़ा मुगालता है बहुत बड़ा मुगालता है जिससे गुमराही पैदा होती है गोया इसके ज़रिए आप दीन का नबे फ़ीसद या पचानवे फ़ीसद से ज़्यादा हिस्सा मुस्तरद कर देते हैं रिजेक्ट कर देते हैं ये बड़ी गुमराही है और ये भी मबनी मर हकीकत नहीं है तो इस मुगालते का भी इजाला चाहूँगा सादा तरीक़े से मगर दलील के साथ ताकि इस पर भी क्लैरिटी हो जाए लोगों को और इस हवाले से फिर तीसरी चीज़ ये जो लोग कदर ज़्यादा इल्म के हामिल हैं उनके लिए कि अगर सही बुखारी और सही मुस्लिम सिर्फ ये दो किताबें या सही बुखारी ही सिर्फ सही हदीस का माखज़ नहीं है इसके अलावा दीगर कुतुब में भी अदीस सयाह यकीनी तौर पर मौजूद हैं तो फिर सई बुखारी की अपनी अहमियत क्या हुई इसकी इनफरादियत क्या है ख़ास सिग्निफिकेंस क्या है जो दूसरों में मौजूद नहीं है इम्तियाज़ क्या है ये तीसरा पहलू तरतीब के साथ मैं इनको लेता हूँ तीनों को इन शह एड्रेस करूँगा सबसे पहले लेते हैं उस बात को कि क्या सई बखारी वो पहली किताब है जिसमें हदीस नबी जमा की गई हैं और इससे पहले बिल्कुल ख़ला था से नबवी का कोई तहरीरी ज़ख़ीरा या मुस्तनद मजमू दरमियान में नहीं था जवाब यह है कि बिल्कुल कोई खला नहीं था क़ी तौर पर खला नहीं था और ना ही सही बुखारी से नबवी को जमा करने वाली पहली किताब है और ना सही अदीस का पहला मजमू है अहदी से सहिया भी सही बुखारी से पहले मौजूद थी हिफ्ज में यानी ज़बानी तौर पर आईमा मुहदसिन और सलफ़ साल के सीनों में भी महफूज थी जिनसे इमाम बुखारी ने लिया है और तहरीरी तौर पर रिटर्न रिकॉर्ड्स किताबी सूरत में भी मौजूद थे ख़ायर मुख्तसर सी एक बात जो आपको याद रह सके वो जेन में ये रख लें कि सही बखारी जब मुरतब हुई है तो इमाम बुखारी के इस काम से पहले सहबा तो कराम से लेकर इमाम बुखारी की सही बुखारी से पहले तक कमो बेश पाँच सौ या इससे जायद तहरीरी ज़ख़ायर मुसन्फ़ात मुअल्लफ़ात और तहरीरी मजमुत अदीस नबवी के रिटर्न रिकॉर्ड्स की शक्ल में मौजूद थे सो so, ये जुमला मैंने इसलिए बोल दिया ताकि एक बात जहन में रास् हो जाए कि सही बुखारी से पहले आकल इस्लाम के दौर यकद से लेकर इस पूरे जमाने में कोई खला कभी नहीं रहा फिर सही बुखारी क्या है ये मैंने अर्ज किया ये हमारा तीसरा नुकता है उस पर मैं समझाऊंगा वो गुफ्तगु शायद आज की नशस्त में आए मुमकिन है अगर आज मुकम्मल ना हो तो कल की नश्त में ले लूँगा सही बुखारी की सिग्निफिकेंस के क्यों लिखी गई इसका मकसद क्या है था फिर इसने क्या नई चीज दी उम्मत को इसकी अहमियत क्या है यह तीसरा पॉइंट है अभी हम पहले पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं और वो ये है कि सही बुखारी से पहले अदीस नबवी के सिलसिले में अहद रिसत माब से लेकर इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के जमाने से कबल तक कोई खला कभी नहीं रहा था पांच सौ या इससे जायद सह कुतुब मुल्लफात मुसन्फ़ात खा और मजमूआत हदीस के तहरीरी तौर पर मैंने पहले भी अर्ज़ किया मौजूद थे सतावन के करीब सहाइफ तो सिर्फ़ सिहबा कराम के तहरीरी तौर पर दस्तियाब थे जो हज़ूर तो सलातम से जिन सिहबा कराम ने नेदीस ली और उनको नकल किया जो सिहबा कराम मामूल रखते थे लिखने का ट्रांसक्राइब करते थे तो उनके सहाइफी जख़ीरे थे हदीस के उनका आदद सतावन तक साबित है ये जो अब बयान कर रहा हूँ मेरी अपनी किताब है सुन्ना पर और तदवीन हदीस पर तारीख़ तदवीन हदीस पर वो किसी वक्त आपको मिल जाएगी एक खुजियत हदीस पर है दो जिल्दों की किताब है कोई कमो बेश बारह चौदह सौ सफ़ात की दो या तीन जिल्दों की और एक तदवीन हदीस की तारीख़ पर अलग किताब है उसमें मैंने इन तमाम सहाइफ की तफसीलात, इनके मुलफीन के नाम उनके अहवाल सहाइफ की तफसील कितनी कितनी अदीस थी पूरी तफसीलात मुहैया कर दी दिए वो पूरा गैप अढ़ाई सौ साल का फिलअप कर दिया है खला नहीं रहा एस्टेब्लिश कर दिया है और साफ़ ज़ाहिर मैंने अपने पास से कुछ क्रिएट नहीं किया वो महक्कीन और लमा जिन्होंने आज तक मुतकदमीन से लेकर हमारे ज़माने तक जिन्होंने मखतूतात पर तहकीक की और सब कुछ लिखा है मैंने उन महक् की पूरी हज़ारा कुतुब को खंगाल के ये पूरी किताब मुरतब कर दी तो मैं इख्तसार के साथ कह रहा हूँ सतावन के करीब तो सहाइफ़ यानी मजमुत हदीस तहरीरी तौर पर ख़ुद सिब कराम के अपने लिखे हुए थे और वो अवेलेबल थे जिनसे हदीस लेते थे सो उसमें तो कोई सही और ज़ीफ़ के इम्तियाज की जरूरत ही नहीं थी वो तो अपने सिब कराम के लिखे हुए और उनके शागिदों को यानी ताबेन को उन्होंने डिक्टेट करवाए थे उनसे तबाउ ताबेन ने नकल किए तो वो उनके पास महफूज थे इसी तरह जो अकाबिर ताबेन थे किबार ताबेन उनके मखतूत और उनके पास जो हदीस के तहरीरी खा उसका आदद भी एक सौ बत्तीस से जायद है ये ऑन टॉप ऑफ देट सतावन के अलावा एक सौ बत्तीस तहरीरी ख़ायर हैं आदीस नबवी के किबार ताबेन के बड़े ताबेन के तो ये भी मौजूद थे तो खला ना रहा फिर किबार ताबेन के बाद सिगार ताबेन आते हैं जो ताबेन थे मगर छोटे थे यानी दौरे ताबेन के आखिरी आखिरी ज़माने में जिनकी विलादत हुई और चंद सि कराम को आखिरी उम्र में इन्होंने पाया तो वो सिगार ताबेन और अतबा उ इनके दो सौ पैंतीस ऐर अब तक दस्याब हो सके हैं इनके एडिशनल तो ये मिला के यानी ये भी तहरीरी खायर और मजमूत थे ये वो हैं जो इमाम बुखारी के हाथ आए इमाम बुखारी के शय के हाथ पहुँचे उनके इस के पास पहुँचे और इस तरह बिलाद इस्लामिया में मक् मौजमा में मदीना तजबा में कोफा में बसरा में शाम में दिमाश में मिस्र में और मावरान नहर में यानी बुखारा और नैशापुर के इलाक़ों के में आइमा, मुहदसिन उस ज़माने केलमा के, के हाँ ये दस्याब थे जिनके पास इमाम बुखारी पढ़ने जाते और जिनसे ख़ुद इमाम बुखारी हदीस लेते थे जिनसे इमाम मुस्लिम ने हदीस ली जिनसे इमाम अबू दाऊद ने इमाम तिरमजी ने इमाम नसाई ने हदीस ली बरस और इनके इस ने जिनसे हदीस ली उनके पास ये नुस्खा मौजूद थे तो उनको ज़बानी हदीस भी लेते थे नकल करते फिर उनसे मुसदात भी लेते थे उनके मैनोस्क्रिप्ट और उनके साथ कंपेयर भी करते थे टैली करते थे और उनको आगे नकल भी करते थे मुसदे आगे नकल दर नकल होते रहते थे तो कोई ख़ला नहीं था ए देरी साल से लेकर सही बुखारी के मुद्वन होने तक ये चार सौ चौबीस यानी सवा चार सौ तहरीरी झखायर हदीसे पाक के बनते हैं और फिर इनके बाद वो शख्सियतें और वो हस्तियाँ आती हैं जो अतबाताबेन के बाद और इमाम बुखारी से पहले हैं फिर वो दरमियान के हिस्से में उनकी भी सैकड़ों कुतुब हदीस में और मजमुत मौजूद थे ये सवा चार सौ जो बयान किए ये सिर्फ सिहबा कराम ताबेन अकाबिर ताबेन और असागिर ताबेन और अतबाता ताबेन के इन तीन नस्लों के सिर्फ़ बयान किए और उनके बाद फिर इमाम बखारी से पहले एक या दो तबके और भी हैं उस अरसे में बड़ी अकाबिर शख्सियतें हैं जिन्होंने फिर अदीस नबवी को जमा किया था मसलन इमाम तिरमजी बयान करते हैं अपनी किताब है, अलअलग़ीर इमाम तिरमजी की उसूल हदीस में बहुत बड़ी अजीम शान किताब है रिसाला है उसमें बयान करते हैं कि अब इमाम तिरमजी याद रख लें इमाम बखारी के हम ज़माना हैं इमाम बखारी के शागिद भी हैं और इमाम बुखारी के उस्ताद भाई भी हैं यानी आप के और इमाम बुखारी के कई उसा मुशतरक हैं क्लास फैलो भी हैं और शागिर्द भी हैं एक ज़माना है तो वो फरमाते हैं हमारे ज़मानों से पहले बहुत पहले जिन शख्सियतों ने अदीस के मजमूे बाकायदा किताबी सूरत में मुरतब किए जमा किए और जिनको बाकायदा तसनीफ़ का नाम दिया जा सकता है वह मुसन्फ़ात थी उनके चैप्टर थे उनके सब्जेक्ट थे उनके सेक्शन थे उनकी वसूल थी उनमें वो कहते हैं हिशाम बिन हसान थे अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अजीज बिन जुरैज थे सईद बिन अबी अरूबा थे इमाम मालिक बिन अनस थे इमाम हमाद बिन सलमा थे इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक थे इमाम यहिया बिन जकरिया बिन अबी जायदा थे इमाम वकी अल जर्राह थे और इमाम रहमान बिन महदी थे और इमाम सुफियान सौरी थे और इमाम अली बिन अल मदीनी थे यानी इनका ख़ुद इमाम तिरमजी ने जो क्लास फैलो हैं इमाम बुखारी के और उनके सीनियर शागिर्द भी हैं वो बयान करते हैं कि हमारे ज़माने से पहले जो हमारे इसके इस टीचर्स और ग्रैंड टीचर्स उन जमानों में जिन्होंने बाकायदा एक किताबी सूरत में जिनमें चैप्टर सब्जेक्ट्स और सेक्शंस के तौर पे किताबों को मुरतब कर दिया था इस दुनिया इस्लाम के मुख्तलिफ शहरों में उनमें नुमाया नाम ये थे और इमाम सुफियान सौरी ने हदीस की एक जामे लिखी थी जिसके बाकायदा अबवाब बंदी की गई थी और इमाम अली बिन अलमदीनी जिनका जिक्र मैंने किया वो भी इमाम बुखारी के शेख हैं इमाम बुखारी के उस्ताद हैं जिनसे इमाम बुखारी ने हदीस ली हैं दो सौ किताबें हदीस की उन्होंने मुरतब की थी खुद इमाम अली बिनल मदीनी मैं फिर दोहरा रहा हूं हदीस नबवी की दो सौ छोटी बड़ी कुतुब के मुसन्फ़ थे एक शख्स अब आप अंदाज़ा कर लें ये सारा जख़ीरा हदीस नबी का महफूज था इसको खतीब बगदादी ने अलजाम अखलाक के रावी व आदाब सामे भी बयान किया है इस तरह इमाम अबू अल मक्की ने अलमक्की नेतुलकरूब के अंदर एक बाब के अंदर ये बयान किया है कि वो हस्तियां जिन्होंने हदीस पाक में इस्लाम के इब्तई ज़माने में कुतुब मुरतब की मद्वन की जो मुसनफ़ हुए आसार के हदीस के उनको सिटी वाइज़ लिखा है उनमें इमाम इबन जुरैज कहते हैं अहदीस को मुरतब करके पूरी किताब उन्होंने तसनीफ़ की जिसको उन्होंने इमाम मुजाहिद और अता और अब्दुल्ला अबन अब्बास के शागिर्दों से लिया था वो मुसन्फ़ हुए सबसे पहले मक्का मुआजमा में फिर कहते हैं यमन में सबसे पहले मुसनफ़ जिन्होंने अजीम शान जखीरा हदीस मुरतब की और किताब थी वो इमाम ममर बिन राशिदनानी हैं तो उनकी किताब थी यमन में जिन्होंने सोनान नबवी और आदीस नबवी को अबवाब बंदी के साथ मुरतब किया था फिर बयान करते हैं मदीना तय्यबा में इमाम मालिक बिन अनस जिन्होंने अलमुअा लिखी और अलमअत् तो किताब दस्तियाब है सारी दुनिया में पढ़ी पढ़ाई जाती है और अलमअत् जो है वो इमाम बुखारी के आप जो समझ लें परदादा उस्ताद हो जाते हैं मदीना तैयबा में यानी उनकेजा के उस्ताद हैं इतने कदीम वक्त से हदीस की किताबें मौजूद थी मुरतब थी मुद्वन थी और आज दुनिया के पास मौजूद हैं इसी तरह इमाम इबन उना ने अल जवामे किताब लिखी सुनन और हदीस नबी में उसकी अबवाब बंदी की थी और इस तरह इमाम सुफियान सौरी ने अपनी जामे लिखी जामे सुफियान सौरी और वो कहते हैं कि अलजाम अल कबीर थी बड़ी किताब थी जामे ज़खीम अदीस की और फ़ीकी मसाइल की भी तो इन्होंने भी सबसे पहले तसनीफ़ की उन लोगों में से एक ये हैं फिर उसके बाद आइमा बयान करते हैं कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के ज़मानों से पहले जो किताबें लिखी गई उनके बाकायदा टाइटल थे कुछ किताबें मुवत्ता के नाम पर लिखी जाती कुछ किताबें हदीस के मजमूे मुसनद के नाम पर कुछ के नाम मुसनफ़ हैं मैं बाद में उनका जिक्र करता हूँ कुछ का नाम जामे है जैसे इमाम बुखारी की अलजाम सही है कुछ का नाम सुनन रखा जाता था और बाज़ किताबें मखसूस मौजूद पर लिखी जाती तो उनको वही नाम दे दिया जाता किसी ने जहाद पर लिखी सैयर मगाजी पर लिखी किसी ने नेहद पर लिखी रकायक पर लिखी तो उसका वही टाइटल हो जाता था तो ये वो किताबें थीं जो ख़ुद इमाम बखारी के पैदाइश से पहले और आपके ज़माना से पहले ये कसरत के साथ लिखी गई और इस्लामी दुनिया के हर मुल्क में आईमा मुद्दीन के यहाँ इनके, हाँ, इनके ज़खायर मौजूद थे फिर उसके बाद आ जाते हैं मैं चंद एक किताबें रेफ़र करता हूँ जो आज भी पब्लिश्ड फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है अब चंद उन किताबों को रेफ़र करता हूँ जो लिखी तो उसी तरह इमाम बुखारी के ज़माना से बहुत पहले उस पूरे दरियान के हिस्से में जिसको बाज लोग मुगालते की वजह से मालूम की कमी की वजह से गैप या खला समझते हैं वैक्यूम समझते हैं कोई वैक्यूम किसी जमाने में नहीं रहा तो उनमें से चंद एक बताता हूं सबसे पहले एक सहीफा हमाम बिन मुनबे है हमाम बिन मुनबे सैदना अबू हुरेरा रजियाल्ला तागिरद उनकी मरवियात का मजमु है इनकी अपनी वफा एक सौ इकतीस हिजरी में हुई और पहली सदी हिजरी के ये फर्द हैं पहली सदी हिजरी के जब हजरत अबू हुरैरा के हदीस को बराह रास्त उनके ने और उनको जमा किया है तो फिर इनको इनके शागिर्द मामर बिन राशिद ने नकल करके मुरतब किया है और उनको इमाम रज़ाक ने असनानी ने फिर आगे अपनी कुतुब में भी महफूज किया और सैफ़ा हमाम बिन मुनबे इट इट सेल्फ अपनी हैसियत में भी अलग मतबूा शक्ल में अवेलेबल है ख़ुद मेरे पास भी लाइब्रेरी में मौजूद है एक सौ अड़तीस अदीस उसमें थी और लुफ़ की बात यह है जो अलग से सईफा इमाम बिन मुनबे की शक्ल में जो छपा है जो अदीस और ये अदीस पहले सई बुखारी में भी रिवायत हो चुकी थी मुसनफ अब्दुल रजाक में भी रिवायत हो चुकी थी इमाम मामर बिन राशिद की जामे में भी रवायत हो चुकी थी और दीगर कुतुब हदीस इमाम बुखारी से पहले भी अलग अलग थोड़ी थोड़ी रिवायत हो चुकी थी जब यह पूरा का पूरा छपा है तो किसी एक हदीस के एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है यह अल्लाह रब्जत का वो निज़ाम है जो उसने अपनी वही की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है उसने फरमाया फरमायाबा शीम इन्ना नहनज़ल निक्र अव लहू ल हाफिजून अपना ज़िक्र अपना दीन हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं और उस हिफाज़त में जहाँ उसने कुरान मजीद की हिफाजत की है वहाँ सुन्नत नबवी और हदीस नबवी भी वही ये इलाही है ये भी वही इलाही फकत ये वही खफ़ी है और मजीद की वही को वही जली कहते हैं उसका माना और अलफ़ा कुरान मजीद के अल्फ़ भी वही हैं हदीस नबवी के अल्फाज नबवी हैं और माना उलू ही है माना अल्लाह रब का नाजिल करता है कुरानी मजीद ने कहाजब और जो लफ्ज भी हजूर नबी अक्रम सल्लम अपनी जुबान से निकालते हैं वह अल्लाह की वही है जो अल्लाह उनकी तरफ करता है तो कुरान और सुन्नत दोनों वही इलाही हैं। फ़र्क मैंने आपको समझा दिया तो अल्लाह पाक ने जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत की इसी तरह हदीस नबवी की भी हिफाजत की है तो इसकी मैंने अर्ज किया एक सौ अठतीस हदीस है एक और जाम मामर बिन राशिद है इनकी वफात एक सौ तिरपन हिजरी में हुई और ये जो इमाम मामर बिन राशिद की किताब हदीस इसके अंदर सोलह सौ तेरह अहदीस थी सोलह सो तेरह देखिए इनकी वफात इमाम बुखारी की विलादत से चालीस साल पहले हो गई थी इमाम बुखारी की विलादत से चालीस साल पहले इनकी वफात हो चुकी थी इमाम बुखारी की विलादत हुई है एक सौ चौरानवे हिजरी में कहीं जाकर और इनकी वफात हो गई है एक सौ तिरपन में सोलह सो तेरह अदीसें जो इन्होंने की और इमाम बुखारी की सही बुखारी को अगर लें और तमाम रेपिटीशन को खत्म कर दें तकरार जुमला तकरारात को खत्म कर दें तो उसका टोटल अदद छब्बीस सौ से ज्यादा बनता है आप उसको राउंड फिगर में 2700 सौ कह लें ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तमाम रेपिटिशन तकरार एक एक हदीस सही बुखारी में दो बार भी आती है चार बार भी पांच बार भी दस बार भी कहीं बीस इक्कीस बाईस मरतबा भी रिपीट हुई है इसमें ज़रूरत इसकी गुफ्तगु हम तीसरे नुकते के तहत करेंगे इन शाह सो रेपिटिशन अगर सारे ख़त्म कर दें और हर हदीस को सिर्फ एक बार काउंट करें तो उसका आदद सताईस सौ है और ये एक किताब मैंने आपको अर्ज़ किया जाम मामर बिन राशिद जो इमाम बुखारी से लगभग और लिखी गई उनकी पैदाइश से कोई साठ सत्तर साल पहले लिखी गई पचहत्तर साल पहले लिखी गई उसका आदद सोलह सौ तेरह है फिर इसके बाद मत् इमाम मालिक हैं मत् इमाम मालिक के जो मुसनफ हैं इमाम मालिक वो भी इमाम बुखारी की विलादत से कोई पंद्रह साल पहले वफात पा चुके थे इमाम मालिक इमाम बुखारी की पैदाइश से पंद्रह साल पहले वफात हो चुकी थी और ज़माना आपका पचानवे चौरानवे हिजरी में आप पैदा हुए हैं इमाम मालिक पचानवे चौरानवे हजरी में यानी आपकी पैदाइश से एक सौ साल बाद इमाम बुखारी की पैदाइश हुई है रजियाल्ला तन तो इनकी किताब है अठारह सौ इक्यानवे यानि दो हज़ार के करीब करीब अदीस इमाम मालिक में बाज नुस्खों में उन्नीस सौ बयालीस हैं तो ये हदद ये मत् इमाम मालिक का था फिर इमाम अबू यूसुफ अलकादी इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तन के बड़े शागिद हैं इनकी वफात एक सौ बयासी में हुई है यानी यह वफात भी इमाम बुखारी की पैदाइश से बारह साल पहले इनकी वफात हो गई थी यानी ये वो लोग हैं जो इमाम बुखारी के इस की अगर एक आप तरतीब बनाएं तो उनमें दादा इस में आते हैं दादा शयूख में आते हैं ग्रैंड शयूख में ये इमाम अबू यूसुफ ने अपनी किताब किताबुल आसार मुरतब की और उसके अंदर एक हजार सतसठ थी और अक्सर उनमें इमाम आजम अबू हनीफा की मरवियात हैं इमाम अबू हनीफा रजियाल्ला की मरवियात तो ये किताब मौजूद थी आज मतबूा मैं इस वक्त जो कोट कर रहा हूँ ये वो तमाम किताबें हैं जो मौजूद हैं आज हमारे पास फिर इसके बाद मुसनद अबी दाऊद तयालसी मुसनद अबी दाऊद तयालसी यह भी इमाम बुखारी से कबल थे और इमाम बुखारी के शूख में आते हैं उस ज़माने में इनकी पैदाइश एक सौ तैतीस हिजरी की है इन इमाम बुखारी की पैदाइश से साठ साल पहले इनका ज़माना है और दो सौ चार में वफात हो गई है जबकि अभी इमाम बुखारी ने हदीस पाक के कलेक्ट करने का सफ़र भी शुरू नहीं किया था उन्होंने सही बुखारी के सिलसिले में समा का अमल शयूखा के पास जाने का अमल 205 हिजरी में शुरू किया इमाम अबू दाऊदी दो सौ चार में वफात पा गए इनकी किताब है मुसनद। वो भी छपी हुई है चार जिल्दों में और उसकी आदिश जो उसके अंदर है वो अट्ठाईसो नब्बे आदिश हैं, हैं। मुस्तद अबी दाऊद अतयालसी की जितनी किताबें मैं कोट कर रहा हूं ये सब खुद मेरे पास लाइब्रेरी में और वो लमह जो हदीस से शकफ रखते हैं उनके पास भी होंगी और तमाम बड़ी लाइब्रेरीज में है फिर मुसनद इमाम अशाफे ही रजी अल्लाह तु इनकी वफात भी दो सौ चार में हुई जबकि इमाम बुखारी रहमत की उम्र उस वक्त सिर्फ दस साल थी अभी दस साल तो इमाम शाफ़ी ने जो अदीस अपनी जमी कुतुब में बयान की थी उनको जमा कर दिया गया जो लिखी हुई थी उनका आदत अठारह सौ ग्यारह है वह अलग है अठारह सौ ग्यारह फिर इमाम रज़ाक असनानी हैं उन्होंने अपनी किताब मुसन्फ़ तैयार की अलमुसनफ़ मरूफ किताब है इनकी वफात भी दो सौ ग्यारह हिजरी में हुई दो सौ ग्यारह हिजरी का मतलब ये है कि इमाम बुखारी की उम्र उस वक्त सोलह साल उम्र थी जब इमाम अब्दुलरजा की वफात हो गई है यह भी इमाम बुखारी के दादा शयूख में से हैं तो इन्होंने जो किताब मुरतब की अवेलेबल है ओल के पास तो उसके अंदर जो अदद है वो है उन्नीस हज़ार चार सौ अट्ठारह अदीस ये सिर्फ एक इमाम की तसनीफ शुदा किताब अलमुसनफ़ जो इमाम अब्दुलरजाकनानी की है उन्नीस हजार चार सौ अट्ठारह अदीस उस किताब में थी इमाम बुखारी अभी बचपन में थे जब इनकी वफात हो गई थी तो ये किताब उस ज़माने की है तो अदीस का इतना बड़ा जखीरा उनकी शक्ल में मौजूद था उसके बाद फिर इमाम बुखारी के एक शेख हैं अलुमैदी उनका मुस्ंद है मुस्ंदुमदी इनकी वफा दो सौ उन्नीस में हुई तो इमाम बुखारी ने अपनी जवानी की उम्र में इनसे पढ़ा और काफ़ी वक्त इनकी ख़िदमत में गुजारा जब मक्का मजमा गए हैं तो इब्तदा जिन शयूक से की उनमें से एक ये हैं अपने तलमुज की तो उनका अपना मुसंद है आज भी अवेलेबल है इमाम बुखारी ने कसरत के साथ इनसे इकतसाब फैज किया है और सबसे पहली हदीस जो सही बुखारी में लाए हैं इमाम बुखारी जहाँ से सही बुखारी की इब्तदा होती है बिगनिंग होती है वो भी इमाम अलहुमैदी की रिवायत है इन से लिए तो इनका मुस्त था उसमें तेरह सौ सैंतीस हदीस हैं तेरह सौ सैंतीस उसका मजमु है दो अजसा में छपा हुआ है तो इमाम बुखारी के शेख हैं उनका अपना मुस्त इनसे पहले मौजूद था और जिनकी कसीर मुद्दत तक मुलाजमत और खिदमत में रहे और इकतसाब फैज करते रहे और जिनसे रिवायत करके अपनी हदीस सही बुखारी अपनी किताब की बिगनिंग कर रहे हैं आप अंदाज़ा कर लें कि उनकी अपनी सेहत का मैार क्या होगा वो तेरह सौ सैंतीस हदीसों का उनका मजमू है फिर एक और किताब थी मुसनफ़ इबन अबी शैबा इमाम इबन अबी शैबा ये इमाम मुस्लिम के शेख हैं इमाम बुखारी के शय और उस के मरतबे में हैं इनकी वफा दो सौ पैंतीस हिजरी में हुई इन्होंने किताब तसनीफ की उसका नाम भी एलमुन्नफ़ इमाम बुखारी अभी सई बुखारी लिख रहे थे अभी सई बुखारी को जमा कर रहे थे मुरतब फरमा रहे थे जिस जमाने में और तकनील के करीब करीब थे मुकम्मल करने वाले थे उनकी उस उम्र में इनकी वफात हो चुकी थी इमाम इबन अभी शैबा की और उनकी किताब में जो हदीस का अदद है वो सैंतीस हज़ार नौ सौ तिरतालीस है सैंतीस हजार नौ सौ तिरतालीस ये मुसन्फ़ इबन अबी शैबा में है ये भी किताब उलमा के पास है खुद मेरी अपनी लाइब्रेरी में भी है फिर इसके मुसनद इसहाक बिन रह इनकी वफ़ाद दो सौ अड़तीस में हुई इनका आदत चौबीस सौ पच्चीस है ये भी इमाम बुखारी के इस शय के दर्जे में है फिर इमाम बुखारी के शेख हैं आठ मरतबा जिनके पास बगदाद में जाकर इमाम बुखारी रहे और इकतिसब फैज किया वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं उनकी वफा दो सौ इकतालीस हिजरी में हो गई तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने खुद हदीस की किताब तैयार की थी सबसे ज़्यादा अगर किसी एक फ़र्द की खिदमत में जाके इमाम बुखारी रहे उनके घर उनकी मजलिस में और इकत फैस किया वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं आठ मरतबा फरमाते हैं बगदाद गया और उनकी खिदमत में रहा तो उनकी किताब मुस्ंद अहमद बिन हम्बल है हर एक के पास मौजूद है उसका आदत तकरीबन तीस हज़ार का है मतबुआ किताबें ये तो मैं चंद नाम जो इस वक्त सारे कोट कर रहा हूं ये वो कुतुब कुतुबे जो आज भी मतबुआ हैं और इमाम बुखारी के वक्त से पहले भी मखतूत मौजूद थे असल अदद इसका सताईस हजार छह सौ सैतालीस है और कुछ नुस्खों के मुताबिक तीस हजार भी है तो ये तीस हजार के करीब तो इनके एक शेख इमाम महमद बिन हम्बल के पास आदिश हैं जितनी मैंने नाम कोट किए अभी जो कुतुब हैं मतबुआ पब्लिश्ड वर्क्स हैं जो आज भी अवेलेबल हैं इनका अदद हदीस का जमा कर लें तो एक लाख एक सौ तीन बनता है एक लाख से जायद तो ये वो हदीस हैं जो इमाम बुखारी से भी पहले किताबी सूरत में दस्तियाब थी यानी वो किताबें इमाम बुखारी के पास मौजूद थी जिनमें से आप चूज़ कर रहे थे जिनमें से आप मुंतखब कर रहे थे और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उनमें एक उस्ताद ऐसे भी थे इमाम अली बिन मदीनी इमाम बुखारी के कि अकेली उनकी 204 किताबें थी हदीस में इमाम खतीब अल बगदादी बयान करते हैं अलजाम रावी व सामे में और हाफिज इबन यह रस्कलानी बयान करते हैं तहज़ीब व तहजीब में दो सौ चार किताबें सिर्फ हदीस में उनकी थी ये इमाम बुखारी के शेख थे इमाम अली बिनलमदीनी और यहाँ पर एक बात ख़त्म करता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो बात ये कि किताबों का तस्करा करने के लिए यानी आप देखें कि इमाम बुखारी एक मुकाम पर फरमाते हैं कि मेरी उम्र जब 16 साल थी इमाम बुखारी ख़ुद फरमाते मेरी उम्र जब 16 साल थी तो मैंने इमाम अब्दुल्ला अल मुबारक और इमाम वकी बिन अल्जर्राह इनकी तमाम किताबें तसनीफ़ात जो हदीस की थी मैंने वो हिफ़्ज कर ली हुई थी आप जो किताब उठा के देखें इमाम बुखारी के सीरत निगार यानी इमाम हाज़मी से लेके इमाम नबवी से लेके ले कर इब्न अ से लेकर हाफिज़ इब्न यस्कलानी हो या इमाम इराकी हो या इमाम सियोती किसी को उठा लें यानी ये मुत्तफक अल बात है इस पर कोई दूसरी राय नहीं है इमाम बुखारी रजील्ल्लू की सीरत पर लिखी गई हर किताब में दर्ज हाँ फरमाते हैं कि मेरी उम्र अभी सोलह साल थी उस उम्र में बुखारा में पढ़ते थे के पास और इमाम अबू हफ्स अल कबीर के पास पढ़ते थे वो हनफी इमाम थे इमाम अबू हफ्स अल कबीर उनके पास पढ़ते थे इब्तदा में बुखारा में और इमाम अबू हफ्स अलकबीर इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद हसन शेबानी के शागिर्द हैं इमाम अजम के दादा शागिद हैं और फिक् हनफी के इमाम थे बुखारा के इमाम मोहम्मद अल अलबानी के शागिर्द उनके पास पढ़ते थे चूँकि वह हनफी इमाम थे और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम वकी जर्रा दोनों फ़िक में मजहब इमाम अबी हनीफा के फॉलोवर थे ये दोनों जलील और कदर अइम हदीस फिक में और मज़हब थे तो इमाम बुखारी फरमाते हैं उनकी हर किताब में ये मौजूद है इसमें कोई इख्त नहीं है फरमाते हैं कि मेरी उम्र 16 साल थी जबकि मैंने इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक और इमाम वकीय बिन अल्जर्रा की तमाम किताबें हिफ़ कर ली थी कुछ इन्हें इमाम बुखारी को अपने वारद ग्ररामी से मिली थी वरसा में कुछ अपने उस्ताद से मिली और किताबें अवेलेबल थी समरकंद बुखारा में उनमें किताब जहद व रक थी वो किताब भी आज छपी हुई है ख़ुद मेरे पास भी मौजूद है ये इमाम बुखारी फरमाते मैंने जबानी याद कर ली थी इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की एक मुसनत थी यानी अदीस नबवी का बड़ा मजमू था वो भी याद था किताबुल जिहाद थी वो भी याद थी किताबुल व सिला समेत यानी बास कुतुब में आया है कि इक्कीस हजार अदीस इक्कीस हजार अदीस भी थी उसमें अहकाम भी थे मसाइल भी थे आदाब भी थे जो दकायक की चीज़ें भी थी इक्कीस हजार के करीब नुसूस थी इमाम बुखारी ने याद कर ली जवानी की उम्र में। आप से ये कर लेना कि बड़ा मौजूद था कोई खला नहीं था और रह गए इमाम वकी बिन्राह जिनका वो कहते हैं इमाम बुखारी कुतुब भी मैंने सोलह बरस की उम्र में याद कर ली थी उनकी किताब तफसीर में भी थी जहदो रकायक में भी थी वो भी छपी हुई है तीन जिल्दों में ज़ख़ीम किताब है इमाम वकी मेलजर्रा की वो भी मेरे पास मौजूद है और लाइब्रेरीज़ में भी होगी किताब सुनन भी है हदीस की फ़जाइल साहबा पर भी है हदीस में एक मुसनत भी है पूरी एक मुन्फ़ भी है हदीस में एक और अलमाफत व तारीख़ भी है और वकी अनिल आमश इमाम आमश से मरवियात उनका भी मजमू है इस तरह तमाम कुत्तबलूम हदीस में थी और हदीसी मरवियात पर मुश्तम थी ये सोलह बरस की उम्र में इमाम बुखारी का अपना बयान है अपने बारे में तो इससे आप जस्ट अंदाज़ा ये कर लें कि कितना बड़ा तहरीरी जखीरा था किताबों की सूरत में हादीस नबवी का जो मौजूद था इमाम बुखारी के ज़माने से और ये चला आ रहा था सिहबा कराम के दौर से लेकर इमाम बुखारी के ज़माने से कबल तक लिहाजा आज की नशस्त में इस एक नुते को मैंने मुकम्मल किया कि कोई ख़ला नहीं था इमाम बुखारी से कबल यह सही बुखारी के लिखे जाने से कबल अदीस नबवी के बाब में कोई गैप नहीं था कि लोग सोचें कि अढ़ाई सौ साल हदीसें तो थी नहीं कोई किताब नहीं थी यह पहली किताब लिखी गई तो वो क्या हुआ कहीं मौजू चीज़ें दाखिल हो गई होंगी एबसल्यूटली ऐसा कुछ नहीं था ये मालूम ना होने की वजह से ग़लत फहमी फैलाई जाती है जिससे गुमराही पैदा हो जाती है जहनों में अदीस नबवी कुरान मजीद की तरह महफूज़ व मामून थी और ख़ायर मौजूद थे और वही इमाम बुखारी तक पहुँचे और आज हम तक भी पहुँचे आज इस नुकते पर हम गुफ्तु ख़त्म करते हैं और इसी मौजू से मतलक जैसा कि मैंने अर्ज़ किया दो नुते और हैं इन कल की नशे में उन्हें मुकम्मल करूँगा और फिर हम सही बुखारी की पहली हदीस से अपना हल्का दर्श शुरू करेंगे वसलमकूम वरहि वर्कू